नमस्कार साथियों, बी आर आर स्टोरी। जी हाँ, यह इस कहानी का शीर्षक है। यह उन तीन फिल्मी अभिनेताओं की कहानी है जिन्होंने अपने समय में काफी ख्याति बटोरी और बहुत सारा धन कमाया और काफी प्रसिद्ध भी हुए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका अंतिम समय बहुत अच्छा नहीं रहा। यह कोई बायोग्राफी नहीं है, एक संक्षिप्त विवरण है उन हालात का, जिनकी वजह से यदि आदमी समय रहते अपने में बदलाव नहीं लाता है तो उसका अंतिम समय काफी परेशानी वाला रहता है। कहते हैं ना कि सब दिन रहत न एक समान। तो इन फिल्मी सितारों के जीवन में जो उतार चढ़ाव है उनका एक संक्षिप्त विवरण मैंने इसमें दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर भी करेंगे, अपने कमेंट भी दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बिना आपका समय नष्ट किए चलिए ये कहानी मैं शुरू करता हूं, बी आर आर स्टोरी। आपने ये तो अवश्य सुना होगा, चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। प्रसिद्धि और संपन्नता हमेशा नहीं रहती, समय बहुत बलवान होता है। सब दिन हो न एक समान। उपरोक्त बातें संसार का एक नियम है जिसे प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी समय इस दौर से गुजरता है। आप ध्यान दीजिए, आपने आसपास देखिए, कभी जिनके सितारे बुलंद हुआ करते थे कुछ समय पश्चात उन्हें कोई पहचानता तक नहीं है। इसी संदर्भ में मैं भी फिल्मी दुनिया के उन तीन मशहूर अभिनेताओं का जिक्र करना नहीं भूलूंगा जिन्होंने अपने जीवन में चढ़ते सूरज को देखा है और जीवन के अंतिम समय में डूबते सूरज को भी देखा है। इन अभिनेताओं के नाम है भारत भूषण, राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना। ये तीनों अभिनेता अपने समय के सुपरस्टार्स माने जाते हैं जिनका आरंभिक फिल्मी जीवन बहुत ही शानदार रहा, अभिनय के क्षेत्र में जिनका सिक्का चलता था, लेकिन उनका अंतिम समय बहुत ही दुखदायी और कष्टमय रहा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत भूषण। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। बतौर नायक उनकी पहली फिल्म चित्रलेखा थी जो 1941 में प्रदर्शित हुई थी, लेकिन उनकी पहचान भक्त कबीर जो 1942 में रिलीज हुई थी इस फिल्म से हुई। अपने जीवन काल में कुल 147 फिल्में उन्होंने की जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका निभाई थी। बैजू बाबरा 1952, चैतन्य महाप्रभु 1954, मिर्जा गालिब 1954, बसंत बहार 1956, फागुन 1958, और यही वह 50 का दशक था जिसमें उन्हें प्रसिद्धि मिली और खूब धन कमाया। इस अवधि में उनके पास 3 बंगले और 4 विदेशी लग्जरी कार्स भी थी और यह उनकी जिंदगी का सबसे सफल दौर था। बतौर अभिनेता उनकी आखिरी फिल्म तकदीर थी जो 1967 में रिलीज हुई थी। उनकी मृत्यु बहुत ही असहाय अवस्था में हृदय गति रुक जाने से
10 अक्टूबर 1992 को मुंबई में हुई थी। अपने द्वारा बनाई हुई फिल्मों के लगातार बॉक्स ऑफिस पर असफल हो जाने के कारण वह बहुत कर्ज में डूब गए थे और अपना सारा कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपने बंगले, गाड़ियां और अन्य वस्तुएं बेचनी पड़ी थी। इसे सबसे ज्यादा दुख उस समय तब हुआ था जब बरसों से सजाए हुए अपनी पुस्तकों को उन्हें टके के भाव बेचना पड़ा था। मृत्यु के समय वह एकदम अकेले एवं असहाय थे। राजेंद्र कुमार फिल्मी दुनिया के जुबली कुमार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को सियालकोट, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। 1966 के दशक के जुबली कुमार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत पतंगा, जो 1949 में एक छोटे से रोल के साथ की थी। उसके बाद एक सपोर्टिंग एक्टर के रोल में उन्होंने जोगन फिल्म में काम किया था, जो 1950 में रिलीज हुई थी। किंतु बतौर नायक उनकी पहली फिल्म थी तूफान और दिया, जो 1956 में रिलीज हुई थी। फिल्म मदर इंडिया 1957 से उनकी प्रसिद्धि मिली और सन 1963 से 1966 के बीच उन्होंने लगातार 6 फिल्मों में काम किया, जो कि जुबली रही। तभी से उन्हें जुबली कुमार कहा जाने लगा। फिल्म वचन 1956, मदर इंडिया 1957, गूंज उठी सहनाई 1959, मेरे महबूब 1963, संगम 1964, आरजू 1965, सूरज 1966, ये सभी फिल्में अत्यंत सफल रही और उन्होंने सिल्वर जुबली भी बनाया। इस तरह 60 का दशक राजेंद्र कुमार के लिए एक स्वर्ण काल के समान था। उन्होंने बहुत शोहरत और दौलत कमाई और संपत्ति भी अर्जित की। लेकिन सन 1972 के बाद 1972 के बाद उनका सितारा अस्त होने लगा और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इन सबके कारण तथा अन्य पारिवारिक समस्याओं के कारण उन पर काफी कर्ज चढ़ गया था और अंतिम समय में उन्हें भी अपना बंगला, गाड़ियां आदि बेचनी पड़ी। उनकी मृत्यु 12/7/1999 कैंसर के कारण मुंबई में ही हुई थी। तो ये राजेंद्र कुमार का अंतिम समय भी बहुत दुखदायी रहा। इसके पश्चात चलते हैं, राजेश खन्ना का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम जतिन खन्ना था। यूनाइटेड प्रोडक्शन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टैलेंट हंट शो में 10,000 प्रतियोगियों के बीच वह प्रथम आए थे। उनकी पहली फिल्म चेतन आनंद द्वारा निर्देशित आखिरी खत थी। 1966 में प्रदर्शित फिल्म राज एक हिट फिल्म साबित हुई थी। अपने जीवन काल में अभिनेता के तौर पर उन्होंने 180 से ज्यादा फिल्में की थी। 1969 से 1971 तक में उनकी लगातार 15 फिल्में प्रदर्शित हुई थी, जिनमें वह एकमात्र हीरो थे। उनकी फिल्म आराधना के बम्पर हिट होने के बाद उन्हें फिल्मी जगत का सुपरस्टार कहा जाने लगा। आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, खामोशी, दो रास्ते, सफर, दी ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, अंदाज, मर्यादा, हाथी मेरे साथी आदि की अंतिम फिल्म रियायत थी, जो 18 जुलाई 2012 को प्रदर्शित हुई थी। 70 का दशक 1969 से लेके 76 तक का समय राजेश खन्ना का स्वर्णिम काल था, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि पाई और बेशुमार दौलत कमाया था। इस अवधि में उनकी दीवानगी लड़कियों के बीच चरम सीमा पर थी, जिससे उन्हें प्रिंस ऑफ रोमांस भी कहा जाने लगा था। 1970 के शुरुआत से ही
अमिताभ बच्चन का फिल्मी आकाश में उदय होना, राजेश खन्ना का अत्यधिक अहंकार, शराब की शराब का अधिक सेवन और उनकी अपनी पारिवारिक समस्याओं जिसमें वे मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बन गए थे, उनकी पतन का कारण बना और उनकी मृत्यु भी कैंसर के कारण बहुत ही दयनीय अवस्था में हुई थी। फिल्मी दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत से नायक और नायिकाएं थी जिनका आरंभिक जीवन बहुत ही सफल था, किंतु जिनका अंत बहुत दुखदायी था। फिर आप सोचते होंगे मैंने इन तीन कलाकारों को ही क्यों चुना। इनका उत्तर उन तीनों के बीच एक कॉमन कड़ी थी। उन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम काल भी देखे और अपना दर्द भरा अंत भी देखा था। यह बंगला जो कि भारत भूषण के समय भूतान बंगला कहलाता था और जिसे राजेंद्र कुमार ने भारत भूषण से खरीदा था और जिसका नाम उन्होंने डिम्पल रखा था, और उसके अतुल कुमार ने अपने गर्दिश के दिनों में यह बंगला राजेश खन्ना को बेच दिया। आपने देखा कि अलग अलग कालखंड में अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों ने धन अर्जित किया, लेकिन उनका अंत बहुत दुखद रहा। तो यह जो परिवर्तन है प्रकृति का, यह एक शाश्वत नियम है और हर मनुष्य को इस दौर से गुजरना पड़ता है। कभी आप भी अपनी लाइफ में आपने देखा होगा, आपकी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे और उनका उन्होंने आपने मजबूती से सामना भी किया होगा। तो ये जो परिवर्तन है उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें ताकि हमारा अंतिम समय अच्छा गुजरे, इसके बाद आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जिसका शीर्षक है परिवर्तन का प्रबंधन, यानी चेंज को कैसे मैनेज किया जाए। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, खास करके उन लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनल लाइफ में है, तो उनमें काफी ऐसी बातें बताई जाएगी जिससे आपको, यदि उनको फॉलो करते हैं तो आपको अपने आखिरी टाइम में जिंदगी के समापन दौर में आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। तो इसी वक्तव्य के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये मेरा पहला प्रयास था इस तरह का, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।